हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 4.5 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगेन हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द एडजॉइंट। अब एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? हर एक एलिमेंट के क्या फाइंड करना है? कोफैक्टर। तो आपके पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है जिसमें फर्स्ट रो है इज 1-1, 2, सेकेंड रो 2-3-5, थर्ड रो -2-0-1। क्लियर? अब हमें हर एक एलिमेंट के लिए क्या फाइंड करना है? कोफैक्टर। नाउ द फर्स्ट पोजिशन इज 1-1, मतलब 1-1 फॉर्मूला क्या हो जाता है? -1 to the power 1+1 m 1-1। क्लियर? m 1-1 हो गया, इट मीन्स -1 की पावर कितना हो गया? 2। m 1-1 मतलब ये वाली पोजिशन के लिए हम फाइंड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट कितना मिला? 3-5-0-1, इट मीन्स डिटर्मिनेंट मिल गया 3-5-0-1। क्लियर? अब -1 का स्क्वायर कितना हो गया? प्लस। क्लियर? अब इसका इंटू इसमें करा, 3 बन जा 3, -0 इक्वल्स टू कितना आ गया? 3। क्लियर है? अब हम कौन सी पोजीशन फाइंड करेंगे? 1-2, मतलब हम कोफैक्टर किसका फाइंड करेंगे? इस एलिमेंट का। तो क्या हो गया? a 1-2। अगेन फॉर्मूला क्या हो गया? -1 to the power 1+2। क्लियर? यहाँ पे जो पोजीशन है वही करते हैं, यहाँ पे i+j मतलब 1+2 और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा? 1-2। क्लियर? अब यहाँ कितना आ जाएगा? -1 की पावर कितना आ गया? 3। 1+2 कितना होता है? 3 होता है। क्लियर? अब डिटर्मिनेंट, अब इस एलिमेंट के लिए अगर हम कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो जिस एलिमेंट का फाइंड करते हैं वो रो और कॉलम छोड़ देते हैं, तो एलिमेंट क्या मिले? 2-5-2-1। तो हम ये डिटर्मिनेंट में लिख देंगे 2-5-2-1। क्लियर? अब -1 का क्या है? क्यू क्या है? ऑड नंबर, इट मीन्स यहाँ साइन काय का आएगा? माइनस का, इन ब्रैकेट। इसका मल्टीप्लाई इसमें करा, 2 बन जा 2। माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा तो 2-5 जा 10, लेकिन काय का? माइनस का, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब यहाँ आ गया कितना? +12। बाहर क्या है? माइनस, तो प्लस माइनस 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 12। क्लियर? अब हम क्या फाइंड करेंगे? कोफैक्टर a 1-3। क्लियर? इट मीन्स -1 की पावर 1+3 कितना हो जाएगा? m 1-3। क्लियर? -1 की पावर कितना आ गया? 1+3, इट मीन्स 4। तो डिटर्मिनेंट क्या मिला आपको? इस एलिमेंट के लिए आप फाइंड कर रहे हैं तो ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, कितना मिल रहा है? 2-3-2-0 2-3-2-0। क्लियर? अब -1 की पावर 4 है, इवन नंबर है, तो कितना आ जाएगा? प्लस। क्लियर? इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा 0, माइनस इसका इंटू यहाँ करा तो 3-2 जा 6, वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया? +6, मतलब a 1-3 हमारे पास कितना मिल गया? 6। अब हम क्या फाइंड करेंगे? a 2-1, मतलब इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर फाइंड करेंगे 2 के लिए। क्लियर? तो यहाँ आ जाएगा -1 की पावर 2+1, माइनर कितना हो जाएगा? m 2-1। अब -1 की पावर कितना हो गया? 3। 2+1 कितना होता है? 3। अब m 2-1 मतलब इस एलिमेंट के लिए अगर हम फाइंड करेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो डिटर्मिनेंट क्या मिल गया? -1-2-0-1, इट मीन्स -1-2-0-1। ठीक है? -1 का क्या है? क्यूब है, इट मीन्स क्या है? ऑड नंबर है, इट मीन्स क्या आएगा यहाँ पे? माइनस। इसका इंटू इसमें करा, -1, माइनस इसका इंटू इसमें करा तो 0। यहाँ कितना बचा? -1 और बाहर क्या है? -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया? +1, मतलब a 2-1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2-1, मतलब a 2-1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब हमें क्या फाइंड करना? a 2-2। क्लियर? कितना आ जाएगा? -1 की पावर 2+2, यहाँ माइनर कितना हो जाएगा? m 2-2, इट मीन्स -1 की पावर कितना आ गया? 4। अब हमें देखना है डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है। अब 2-2 पोजीशन कौन सी है? ये वाले 3 की पोजीशन, तो 3 जिस लाइन में आ रहा है मतलब जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसके सारे एलिमेंट छोड़ देंगे ये और ऐसे, तो डिटर्मिनेंट क्या मिला? 1-2-2-1, मतलब 1-2-2-1। क्लियर? अब -1 की पावर क्या है? 4 है, तो क्या आ जाएगा? इवन नंबर है, इट मीन्स प्लस साइन आएगा। क्लियर है? इसका मल्टीप्लाई यहाँ माइनस, 1 का इंटू 1 में करा 1, माइनस 2-2 जा 4, लेकिन काय का? माइनस का आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस, तो वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। एज इट इज अब हम क्या फाइंड करेंगे? a 2-3,
इट मीन्स माइनस वन की पावर कितना आना चाहिए, 2 प्लस 3, और यहाँ माइनर कितना हो जाएगा, m23। क्लियर, मतलब माइनस वन की पावर कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5। अब इसके लिए हमें देखना है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट इस इट मीन्स 5 के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो डिटर्मिनेंट मिलेगा 1 - 1 - 2 0, 1 - 1 - 2 0। अब माइनस वन की पावर क्या है, 5 है, ऑड नंबर है, मतलब माइनस साइन आ जाएगा इन ब्रैकेट, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा तो 0 माइनस, इसका इंटू इसमें करा तो यही देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 - 1 = 2। ये लेकिन ये माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ करा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, प्लस की 2 आ गई। क्लियर, अब हम फाइंड करेंगे a 3 1, इट मीन्स माइनस वन की पावर 3 + 1, m 3 1, मतलब माइनस वन की पावर कितनी हो गई, 4। अब डिटर्मिनेंट देखना है हमें कितना मिल रहा है, डिटर्मिनेंट इट मीन्स माइनस टू के लिए डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, तो जिस एलिमेंट के लिए हम फाइंड करते वो रो और वो कॉलम छोड़ देंगे, डिटर्मिनेंट मिला -1 - 2 - 3 - 5, -1 - 2 - 3 - 5, माइनस वन की पावर क्या है, 4 है, कैसा दिख रहा है, इवन नंबर, इट मीन्स यहाँ क्या साइन आएगा, प्लस, इसका मल्टीप्लाई इसने करा कितना आया, -5, माइनस 3 - 2 = 6, दोनों माइनस के कितना आ गया, -11, -11 आ गया, मतलब a 3 1 की वैल्यू कितनी है, -11। अब हम फाइंड करेंगे a 3 2, मतलब -1 की पावर 3 + 2, माइनर हो जाएगा m 3 2, मतलब -1 की पावर कितना हो गया, 3 + 2, इट मीन्स 5 हो गया। डिटर्मिनेंट देखना है, डिटर्मिनेंट किसके लिए, इस 0 के लिए, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो डिटर्मिनेंट मिला 1 2 2 और 5, मतलब 1 2 2 और 5। ठीक है, अब माइनस वन की पावर क्या है, 5 है, कैसा है, इवन या ऑड, ऑड नंबर है, इट मीन्स यहाँ साइन कैसा आ जाएगा, माइनस, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा तो 5 - 1 = 5, माइनस 2 - 2 = 4, 5 में से 4 माइनस करा तो +1, और बाहर क्या है, -1, तो क्या आ जाएगा, -1, आंसर कितना हो गया इसका, -1। अब हम क्या फाइंड करेंगे, a 3 3, इट मीन्स -1 की पावर कितना आ जाएगा, 3 + 3, m 3 3, मतलब -1 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो गया। अब डिटर्मिनेंट देखना है हमें कितना मिल रहा है, किस एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं, ये वाले 1 के लिए, ठीक है, तो ये एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो डिटर्मिनेंट मिला 1 - 1 - 2 - 3, तो यहाँ मैंने लिखा 1 - 1 - 2 - 3। क्लियर, अब -1 की पावर क्या है, 6 है, 6 कैसा है, इवन नंबर है, मतलब प्लस में आ जाएगा इन ब्रैकेट, 3 - 3 माइनस माइनस प्लस, 2 - 2, तो कितनी वैल्यू आ गई, 5। मतलब आपके पास हर एक एलिमेंट के लिए क्या मिल गए, कोफैक्टर, तो हमारे पास नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट कितने हैं, 9, एंड द नंबर ऑफ टोटल कोफैक्टर भी कितने हो गए, 9। अब हमें क्या फाइंड करना है इसके बाद, एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए के लिए फॉर्मूला क्या है, जो कोफैक्टर हमने रो के लिए निकाले उसको हम काई में लिखेंगे कॉलम में, मतलब फर्स्ट रो कन्वर्ट काई में हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड कॉलम में, एंड द थर्ड रो कन्वर्ट हो जाएगा थर्ड कॉलम में, इट मीन्स यहाँ आ जाएगा a 1 1 a 1 2 a 1 3 a 2 1 a 2 2 a 2 3 a 3 1 a 3 2 a 3 3। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 1 1 2 1 3, लाइन से लिखे तो हम लाइन से लिख देंगे 3 - 12 - 6, तो यहाँ हमने लिखा 3 - 12 - 6, a 2 1 2 2 2 3, तो 1 5 2, तो यहाँ लिखा 1 5 2। थर्ड के लिए क्या आ जाएगा, -11 - 1 - 5, तो ये आपका क्या हो गया, एडजॉइंट ए, इट मीन जो को फैक्टर आपके रो में निकले हैं उसको आप काई में अरेंज कर दोगे कॉलम में, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, आंसर।